एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्हाट्सएप रिपोर्टर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हमारे दर्शकों की ओर से ही भेजी गई 100% रिपोर्ट, जो हमारे दर्शक देखते हैं अपने आसपास की समस्या को कैद करते हैं अपने कैमरे में और फिर हमें भेजते हैं। और लगातार हम यही कह रहे हैं कि हम आपकी भेजी गई समस्याओं को उठाएंगे और जो तमाम कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनसे अपील करेंगे कि वो गौर करें उन समस्याओं पर, देखें कि क्या कुछ हो रहा है। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रोहिणी से हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर ने भेजी है कि यहाँ पर IGL की गैस पाइपलाइन में आग लग गई, जिसे अपने कैमरे में कैद किया हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर पुनीत शर्मा ने। पुनीत ने आग की ताजा तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की और हमें भेजी। और हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, ये आग कैसे लग गई थी? मैडम, ये अपना काम चल रहा था IGL का, तो यहाँ पर इसके बाद उन्होंने खुदाई कर रखी थी और पाइप डाल रखा था बहुत बड़ा, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड वाले आके काम करने लग गए थे। तो इनकी वजह से ही आपसी पता नहीं किस चक्कर में इन्होंने बहुत ज्यादा आग में लपेटों में आ गई और काफी देर तक ये आग लगी रही। इसके बाद दमकल की गाड़ियां आई और गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन दमकल की गाड़ियों 3 या 4 गाड़ियों से ये आग नहीं बुझ पाई। तो इसके लिए अपना फायर एक्सटिंग्विशर के जो सिलेंडर होते हैं उनसे काबू में आई है आग। उसके बाद स्थिति नॉर्मल हो गई। हाँ जी, गरिमत रही कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह की लापरवाही देखी गई है दोनों विभागों की ओर से और यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हाँ जी मैडम, उसके साथ एक बहुत बड़ा जनरेटर भी था और बगल में ही एक टाटा पावर का अपना इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन भी था, लेकिन ये आग वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अगर ये आग ज्यादा फैल जाती तो हो सकता है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो पहले यहाँ पर IGL की पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था, उसके बाद जल बोर्ड वालों ने खुदाई शुरू करी? हाँ जी, हाँ जी मैडम, पुलिस वाले आए और उन्होंने फिर दोनों विभागों के बंदे जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछताछ करी, तो अभी आगे का वो बता पाएंगे इसके लिए बेटर, लेकिन सिर्फ वो पूछताछ जारी है उनसे कि किस वजह से ये आग हुई लगी है, किस कारण से ये आग लग पाई है, किस कारण से आग लग पाई है जी। और ये इलाका कौन सा, किस तरह का इलाका है, क्या रेजिडेंशियल है ये? रेजिडेंशियल इलाका है, मेन रोड पे बड़ी रोड है, उसके ऊपर ये खुदाई का काम चल रहा था काफी टाइम से, लेकिन आज अचानक ही आग लगी है जिसका अभी पता नहीं लगता है कि किस कारण ये आग लग पाई है। बिल्कुल, और तभी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो तमाम अथॉरिटी संबंधित विभाग हैं वो देखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की विभागीय लापरवाही होती है और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, या आम जनता को जो मासूम लोग होते हैं वो बड़े हादसों का शिकार हो जाते हैं और उसके बाद एक बात कही जाती है कि जान छोड़ रहे। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं ताकि जो लोग सो गए हैं प्रशासनिक स्तर पर, जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो सो गए हैं, वो जागे, उनकी नींद टूटे, और हम तब तक तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और साथ ही जिस तरह एक्शन लिया जाएगा, जैसे ही कार्रवाई होगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये समस्या थी और अब समस्या को उठाने के बाद उसका समाधान भी कर लिया गया है। पुनीत जी, कितनी देर में आग पर काबू पाया गया? पुनीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम, हाँ जी जी। और कितनी देर लगी इस आग पर काबू पाने में? मैडम, आग को काबू पाने में करीबन 1 घंटा लग गया। दमकल की गाड़ियाँ करीबन 30-40 मिनट बाद आई थी और उसके बाद तुरंत उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन उन पानी की गाड़ियों से भी ये आग रुक नहीं पाई क्योंकि एक गैस के थ्रू लगी थी, तो उसके बाद अपना सिलेंडर्स का यूज किया गया जिससे आग काबू में आ पाई जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर पुनीत जी आपका कि आप हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर बने और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर IGL गैस पाइपलाइन को डालने का काम चल रहा था, काफी लंबे समय से काम चल रहा था जिस तरह हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर ने हमें बताया, और उसके बाद दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे खुदाई करने के लिए और तभी यह हादसा हुआ। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे पर वक्त रहते ही काबू पा लिया गया, तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और जो तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल्ली में शायद ही ऐसा नजारा आपने कभी देखा हो। दरअसल तस्वीरें हमें हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर ने भेजी हैं, तस्वीरें दिल्ली के खजूरी खास इलाके की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लो फ्लोर बसेस की छत पर सवार होकर छात्र जा रहे हैं। दरअसल सभी लोग MSc का एग्जाम देने यहाँ पहुंचे थे, लेकिन बसों की किल्लत के बाद छात्रों ने जान जोखिम में डालकर बसों की छत पर
ही सवारी लेना सही समझा। एसएससी का एग्जाम था आज और एसएससी का एग्जाम देकर ही ये छात्र लौट रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर जसविंदर, जिन्होंने यह तस्वीरें हमें भेजी हैं। जसविंदर जी, कहाँ देखी आपने ये तस्वीर, इस तरह का नजारा आपने कहाँ देखा? ये ऑटो में से देखा था मैंने, ये उसी पर वीडियो बनाया है पूरा जी। और किस जगह के आसपास ये आपने देखा कि बसों पर इस तरह छात्र सवार हैं छत पर उनकी? हाँ जी, एक भी यहाँ पे कोई बस सुविधा नहीं थी, बस जिस किसी भी गाड़ी पे वो लटक जाते थे छात्र बस, और कोई खास वो नहीं था कि इनके लिए, ना कोई बस थी ना कुछ, एक दो थी उसी पे ही सब लदे पड़े थे जी। तो खजूरी खास का ये मेन बस स्टैंड है जहाँ पर आपने देखा कि जब ऑटो से कि यहाँ पर बस जो भी व्हीकल आता है वहीं पर सवार, उसकी छत पर सवार हो जाते हैं तमाम छात्र। जसविंदर जी, तो जान जोखिम में डालकर किस तरह यहाँ पर छात्र यात्रा करने को मजबूर हैं। यहाँ पर गलती इन छात्रों की भी है और गलती उस विभाग की भी है जिसने इंतजाम पूरे नहीं किए, और इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह अपनी जान को खतरे में डालकर बसों की छत पर सवार हो गए ये तमाम छात्र, और दिल्ली में शायद ही इस तरह का नजारा आपने कभी देखा। और अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर, लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं कि तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारी मंशा यही है कि समस्या उन तक पहुंचे जिनके पास जिम्मा है इन समस्याओं को दूर करने का, और जैसे ही समस्याएं दूर होंगी तो भी हम आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे कि अब हालात बदल गए हैं। लेकिन लगातार टोटल न्यूज अपील कर रहा है तमाम कंसर्न अथॉरिटी से कि वो जाके देखें और इन समस्याओं को तुरंत हल करें। अब दिखाते हैं आपको अगली रिपोर्ट जो हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर ने ही भेजी है पालम से, जहां आम आदमी पार्टी ने भावना गौड़ को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इस ऐलान के कुछ ही दिनों बाद पालम में भावना गौड़ का विरोध भी शुरू हो गया। हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर ने विरोध की इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर कपिल शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। कपिल जी, कब की ये तस्वीरें हैं और क्या कुछ देखा आपने, किस तरह विरोध हो रहा था भावना गौड़ का? जी, ऐसा है, यहाँ पर काफी लोग काफी मात्रा में इकट्ठे हो गए थे और काफी यहाँ पर हंगामा का माहौल क्रिएट हो गया था जी। जी, और क्या कुछ कह रहे थे? विरोध कर रहे थे भावना गौड़ को टिकट दिए जाने के खिलाफ जी। हेलो जी, हाँ जी, भावना गौड़ को जो टिकट दिया गया था उन कार्यकर्ताओं को ये आक्रोश नजर आ रहा था कि भावना गौड़ को टिकट जो दिया गया है कि मतलब इन सबकी मिली भगत है कि आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के साथ मिलकर कमजोर कैंडिडेट को जानबूझकर खड़ा किया है जी। तो अब क्या वो भावना गौड़ की उम्मीदवारी से नाराज थे या किसी और स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे? काफी अच्छा पालम में, और इसके अलावा यहाँ पर युगल किशोर भी थे, इंद्र सिंह सोलंकी भी, तो इन सबके नाम को काट के बाद में ये बीजेपी के एमएलए हैं धर्मजय सोलंकी और संजय सिंह सहरावत, काफी जो आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुके हैं लोकसभा का, तो और कुलदीप सोलंकी, पवन राठी, इन सबके साथ मिलकर इनकी कुछ साठगांठ हुई कि भावना गौड़ को टिकट दे दिया जाए। इससे भावना गौड़ को टिकट दे दी गई कि इसलिए लोगों ने आग्रह किया, हमने मेहनत करी, हमने घर घर जाकर लोगों से आम आदमी पार्टी के बारे में बताया और उसके बावजूद आप भावना गौड़ को टिकट दे रहे हैं। तो मैं उस वक्त वहीं पर था, मैंने लोगों से पूछा था, तो इसलिए लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा था जी। बिल्कुल गुस्सा नजर आ रहा था, हम भी देख पा रहे हैं कि नारेबाजी उनके खिलाफ हो रही थी। कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया व्हाट्सएप रिपोर्टर बनने के लिए, टोटल न्यूज का व्हाट्सएप रिपोर्टर बनने के लिए। तस्वीरें आपने देखे कि किस तरह पालम में भावना गौड़ की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता, जो उन्हीं की पार्टी से भावना गौड़ को टिकट मिला है और वो इसी की खिलाफत कर रहे हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं आगरा का एक ऐसा वीडियो आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।
इस वीडियो में लोगों को छोटी नहर पार करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। आगरा शहर में रामबाग ये इलाका है जहां नहर के ऊपर गाड़ियों के गुजरने के लिए तो प्रशासन ने ओवर ब्रिज बनवा दिया, लेकिन पैदल चलने वालों की कोई सुध नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस जगह को पार कर रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो पैदल चलने वाले हैं उनकी कोई सुध ही नहीं ली गई। देखिए आप किस तरह से ये पूरा जो इलाका है वहाँ उसके रास्ते को क्रॉस करने के लिए राहगीरों को जो पैदल सवार थी उन्हें अपनी जान खतरे में डालना पड़ा। रामबाग आगरा का रामबाग ये इलाका है जहाँ पर इस तरह रास्ते को पार करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मजबूर है आम लोग, आम जनता। हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर ने हमें तस्वीरें भेजी हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ये सभी रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर ने भेजी हैं। हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर बन रहे हैं, उन्होंने ये तस्वीरें भेजी और हम उन्हें मंच दे रहे हैं इस तरह की तस्वीरों को दिखाने के लिए, जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं। और समस्याओं को दिखाने के बाद लगातार टोटल न्यूज अपील भी करता है संबंधित विभागों से कि वो जागे, उनकी नींद टूटे और वो ध्यान दे इस तरफ कि क्या कुछ हो रहा है, किन किन जगहों पर समस्याओं को हल किए जाने की सख्त सख्त आवश्यकता है। और जैसे ही हम ये भी कहते हैं कि जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी भेजी गई तस्वीरों को दिखाने के बाद वो परेशानी, वो समस्या वहां से दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो भी आप हमें तस्वीरें भेजे ताकि हम दिखाएं कि देखिए जो परेशानी थी अब वो खत्म हो चुकी है। तो आप बन सकते हैं हमारे व्हाट्सएप रिपोर्टर, नंबर है 09582230562। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ना कोई कैमरा, ना कोई रिपोर्टर, फिर भी हर रिपोर्ट धड़ाधड़। कोई भी रिपोर्टिंग कर सकता है, बस नंबर याद रखिए 9582230562। बहुत दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ लेकिन कोई सुनता ही नहीं, अब लेता हूँ खबर।